नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज चर्चा के पाठक की और बिहार चुनाव की। के पाठक क्या बिहार सरकार से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक स्कूल बंद करने के मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद शिक्षकों को स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं। छात्रों को गर्मी लगती है तो क्या सवाल उठता है कि ऐसे हालात में जब तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में स्थिर हो चुका है, उस परिस्थिति में क्या शिक्षक स्टील के बने हुए हैं? और इसका इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा जब मुख्यमंत्री स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं और के पाठक स्कूल में शिक्षकों को बंदी के दरमियान भी, छुट्टी के दरमियान भी, गर्मी की छुट्टी में भी जाने के लिए कह रहे हैं? और इन सबसे आगे पवन सिंह का मुद्दा भी है कि आखिर पवन सिंह किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 5 कैंडिडेट का चुनाव एक साथ फंसा चुके हैं। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि यदि राजपूत समुदाय के लोग उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों पर कुशवाहा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। ये हालात बन गए हैं। पवन सिंह ना तो निगलते बन रहे हैं, ना ही उगलते बन रहे हैं। क्या होगा इस पूरे चुनाव का? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन सिंह किस प्रकार से सीटें फंसा चुके हैं उस पर चर्चा के पहले हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल तो नीतीश कुमार ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट निकालकर एक आदेश बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से नीतीश कुमार के द्वारा जो निकाला गया कि स्कूल बंद कर दिया गया हाई छुट्टी में, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाने का फरमान फिर के पाठक ने जारी कर दिया। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल दोपहर के बाद डेवलपमेंट होता है। शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी हैं कन्हैया कुमार, उनके हस्ताक्षर से एक लेटर जारी होती है कि स्कूल गर्मी को देखते हुए स्कूल की जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 10 बजे कर दी गई है। उसके बाद उस लेटर के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय एक्टिव होते हैं, मुख्यमंत्री खुद एक्टिव होते हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया जाता है जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को संबोधित करते हुए गर्मी को देखते हुए, गर्मी नहीं कहिए, हीट वेव है और 40-45 डिग्री 48 डिग्री कहीं कहीं तापमान है। और कल आपने देखा कि बेगूसराय से लेकर से पूरा तमाम बिहार के अन्य जिलों में करीब करीब 100 से अधिक बच्चे जो हैं हीट वेव के शिकार हो गए और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो आज तक हो, तमाम बड़े चैनल हो, हर पे ये खबर ट्रोल होने लगा। और सबसे पहले, आज तक से भी पहले, न्यूज लॉन्चर ने कल हमने अपने प्रोग्राम में इस खबर को प्राथमिकता दिया कि कैसे हीट वेव से मासूम नौनिहाल जो हैं परेशान हैं, शिक्षक वर्ग परेशान हैं। जिस प्रकार से अहले सुबह 5 बजे उनको घर से निकलना पड़ता है और 5:45 में रिपोर्टिंग है, 5:45 में आपको ग्रुप में फोटो खींच के भेजना है, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो ये हालात थे। हालात जिस प्रकार से सरकार की एक तरह से बदनामी हो रही थी, ये आरोप लग रहा था कि क्या के पाठक मुख्यमंत्री से बड़े हैं, क्या के पाठक चीफ सेक्रेटरी से बड़े हैं। जब मुख्यमंत्री कई बार, आप देखिए, शिक्षा विभाग को लेकर इरार नहीं है, विधानसभा के पटल पे खुद नीतीश कुमार ये कहते हैं स्कूल के टाइमिंग को लेकर, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा पटल में कह देते हैं लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय या चीफ सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से कोई लेटर जारी नहीं होता है। उस समय भी जब विधानसभा के पटल पे नीतीश कुमार ने कहा था, तो नीतीश कुमार खुद अपनी बद्दी पिटवा रहे हैं, नीतीश कुमार खुद अपनी मजाक उड़वा रहे हैं। और 2-3 दिनों से जिस प्रकार से हीट वेव है, स्कूल तो पूर्णतः बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, स्कूल बंद होना है। स्कूल बंद होना मतलब सभी शिक्षण से जुड़े हुए तमाम जो कार्य हैं उस पर रोक लगना, बंद होना। लेकिन फिर देर शाम जो एक लेटर जारी होती है कि ठीक है, 8 जून तक स्कूल बंद रहेगा, बच्चे के लिए स्कूल बंद रहेंगे लेकिन शिक्षकों को आना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हालत ये है गर्मी की,
हालत ये है कि आज नोएडा की लोटस सोसाइटी में एसी का बॉयलर फट गया है, उससे आग लग गई है कई सारे फ्लैट में, यानी सबसे बड़ा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि स्कूल बंद है तो आप शिक्षकों को क्यों बुला रहे हैं? अरे शिक्षकों को बुला रहे हैं सिर्फ आप परेशान करने के लिए। स्कूल में आप एक, मैं तो ये कहूंगा तमाम पत्रकारों को स्कूल में जाकर देखना चाहिए कि शिक्षक जब स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो शिक्षक वहां जाके क्या कर रहे हैं? क्या स्कूल से संबंधित किसी कार्य का या किसी फाइल का निपटारा हो रहा है? तो ठीक है, यदि कुछ यूजफुल काम नहीं हो रहा है तो फिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? सबसे दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अभिषेक जी है स्कूल के टाइमिंग को लेकर। आप 6 बजे कह रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, और जो स्कूल में 6 बजे यानी 5:45 में रिपोर्ट करेंगे उनको 3:30 में जगना होता है, और खासकर महिलाओं की समस्या को समझिए। तो ये के पाठक, और के पाठक के कल ऑफिस का मैंने वीडियो मंगवा के देखा, उनके ऑफिस में 10-10 एसी लगे हुए हैं। खुद के पाठक उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं 10-10 एसी में बैठेंगे, और मासूम ननिहालों को कहते हैं बिना पंखा के, बिना पंखे वाले स्कूल में आप इस हीट वेव में बैठिए, और शिक्षकों को कहते हैं पढ़ाने के लिए। आप जानते हैं बिहार में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालात है। 30-40% ऐसे स्कूल हैं जहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न पंखे हैं, न वो तमाम आम सुविधाएं जो स्कूल में होनी चाहिए वो हैं। तो हालात हद से बदतर है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के आदेश को पलट देना, इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार कितने कमजोर हो गए हैं, या तो नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं या नीतीश कुमार इनडायरेक्ट रूप से के पाठक को आशीर्वाद दे रखा है, संरक्षण दे रखा है, तभी कोई ऐसे डेवलपमेंट हर दिन आपको देखने को मिल रहा है, जिससे आम शिक्षक से लेके छात्र जो है परेशान है। लेकिन आप देखिए ऋषि जी, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे जनता दल यूनाइटेड के इलाके से चुनाव निकलकर बीजेपी के गढ़ में, जहां बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है, वैसे वैसे चुनाव आता चला गया। और अब तो देखने में मिल रहा है कि बीजेपी ही लड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड तो अपनी 16 सीटों में 14 सीटें लड़ चुकी, एक सीट उसकी नालंदा और एक जहानाबाद है। नालंदा नीतीश कुमार का इलाका है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने हेलीकॉप्टर बुक कराया था चुनाव प्रचार के लिए। एक नीतीश कुमार और जेडीयू ही है जिन्होंने हेलीकॉप्टर बुक नहीं कराया, और आप पूरा चुनाव के नीतीश कुमार के जो प्रचार करने का स्टाइल आपने देखा होगा, या जिन जिन मंत्रियों को लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था उनके वर्किंग स्टाइल से पता चलता है नीतीश कुमार पूरे मन से चुनाव में नहीं लगे हैं। नीतीश कुमार हर लोकसभा क्षेत्र में एक से अधिक प्रोग्राम नहीं किए हैं, कहीं कहीं एक या दो प्रोग्राम किए होंगे, जनरली एक से अधिक प्रोग्राम नहीं किया है, और जेडीयू ने अधिकृत रूप से हेलीकॉप्टर बुक नहीं कराया गया है। दूसरी बड़ी बात, जिन मंत्रियों को क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, आप देख लीजिए उस जिले में या उस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में प्रभारी मंत्री कितने सक्रिय हैं। प्रभारी मंत्री को वहां फंड अवेलेबल कराना था, जेडीयू प्रत्याशियों को कितना फंड अवेलेबल हुआ है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार क्यों पूरे मन से चुनाव में नहीं लगे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है, इसका एनालिसिस होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे बड़े नेता है, यदि नरेंद्र मोदी के बाद देखें तो एनडीए में सबसे बड़े नेता है, बिहार में ही नहीं पूरे राष्ट्रीय फलक पे देखें, और नीतीश कुमार जिस जोश और उमंग के साथ प्रचार करना चाहिए था, आप देखिए तेजस्वी यादव एक लोकसभा क्षेत्र में 3-4 रैलियां कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार एक से अधिक रैलियां कहीं नहीं की है। तो ये डिकोड करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट आ रहे हैं बीजेपी के तुलना में नीतीश कुमार कंफर्ट पोजिशन में है, और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की तुलना में नीतीश कुमार को सीटें अधिक आ सकती है। तो क्या नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री के लिए होता है,
ये लोकसभा चुनाव एनडीए में जो है प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है, यदि सीटें घटेंगी तो एनडीए कमजोर होगा, और एनडीए कमजोर होगा तो घटक दल जो है खासकर नीतीश कुमार जैसे छतर्प हैं, उनका पूछ बढ़ जाएगा, उनका डिमांड बढ़ जाएगा, उनके बैसाखी पे सरकार टिकेगी। यही हालात रहे जो तमाम बड़े पत्रकार न्यूज एजेंसी के जो सर्वे आ रहे हैं, हालांकि अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, प्रकाशित 1 तारीख के बाद होंगे या 1 तारीख के शाम में आपको देखने को मिलेगा। जो क्षण की खबर आ रही है बीजेपी 220 से लेके 230 40 50 से अधिक क्या सीटें नहीं मिलने वाली है बीजेपी को। ऐसे हालात में नीतीश कुमार जैसे छतर्प जो हैं प्रभावी हो जाएंगे, उनका डिमांड बढ़ जाएगा। तो नीतीश कुमार का क्या ये मंशा था कि बिहार में बीजेपी को कमजोर किया जाए, बीजेपी के लिए उतना एफर्ट नहीं लगाया जाए, बीजेपी के लिए उतना माहौल नहीं बनाया जाए ताकि बीजेपी 2019 वाला परफॉर्मेंस बीजेपी और एनडीए बिहार में न दोहराए? यदि मेरा तर्क गलत है तो आप बताइए। जी मैं ही जानना चाहते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी ने हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया, सोचिए चुनाव में कोई पार्टी हो भी जो सत्ता में हेलीकॉप्टर बुक ना करे, जहाँ जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, वो भी हेलीकॉप्टर बुक कर रही है, लेकिन जो पार्टी सत्ता को लीड कर रही है उसने हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया। दूसरी तरफ शिक्षकों को और बच्चों के अभिभावकों को नाराज करने वाले के पाठक को बनाए रखा। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावना? अरे कल गिरिराज सिंह ने तो कह दिया, कल गिरिराज सिंह ने तो कह दिया के पाठक के लिए ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये के पाठक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। गिरिराज सिंह तो के पाठक को लेकर वोकल है। मुझे आश्चर्य लगता है कि बीजेपी एक महत्वपूर्ण एलायंस पार्टनर है, बीजेपी के तरफ से दो दो डिप्टी सीएम है, मंत्रिमंडल में देखिए तो अधिक संख्या में मंत्री बीजेपी कोटे से है, फिर भी बीजेपी का जो अप्रोच है के पाठक को लेकर बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यही बीजेपी ने के पाठक के विरुद्ध आंदोलन किया था जिसमें बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई थी पटना में। आज के पाठक को लेकर बीजेपी का जो अप्रोच है, जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी उस समय जो भोकल थे, अब तो ये बिल्कुल लोकल हो गए हैं, बिल्कुल बोल के पाठक पे एक शब्द नहीं है बोल रहे हैं। तो क्या मजबूरी है पगड़ी वाले बाबा का, सम्राट चौधरी का, क्या मजबूरी है विजय सिन्हा का कि मासूम नौनिहाल को हीट वेव में झोंका जा रहा है और बीजेपी इस पे चुप है? बीजेपी क्यों नहीं नीतीश कुमार से मांग करती है कि ये ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करे जो नीतीश कुमार यानी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना करता है? आपको बताऊं, कल गवर्नर ने माननीय राज्यपाल महोदय ने नीतीश कुमार से बात की, उसके बाद सीएम सचिवालय एक्टिव हुआ है, गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा एक एसीएस के जो तानाशाही रवैया है उसको रोकने के लिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार, आप देखिए ना हालात क्या हो गए हैं। एक लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट का सरेआम जब कोई परीक्षा होता है तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे रहे होंगे, और कोई परीक्षा होता है अपने यहाँ बिहार में या कहीं भी पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा होती है, पुलिस अभिरक्षा और सैकड़ों लोगों के बीच में हर्ष कुमार का सरेआम पीट पीट का कर दिया जाता है राज्य के राजधानी में। क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है अभिषेक जी, आप समझ सकते हैं? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस सब मामलों पर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर, और खास करके छात्रों को और शिक्षकों को इतनी जबरदस्त गर्मी में जब लू चल रही है, हीट वेव चल रहा है, उसमें देखिए एक अभिषेक जी एक करना चाहिए। जी एक बात और कहूंगा, मैं मानता हूं कि बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी हुई है, बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी हुई है, लेकिन जो स्मैकियर गैंग है, जो लूटपाट करने वाले गैंग है, जो पिस्तौल भिरा के माँ बहनों का चैन छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, मुजफ्फरपुर में तो एक ऐसी घटना हुई, एक माँ अपनी पुत्री की शादी के लिए मार्केटिंग, शादी की तैयारी के लिए मार्केटिंग जा रही थी और उसका सरेआम चैन छीन लिया गया, और चैन छीनने के क्रम में वो गिर गई, स्पॉट डेथ हो गया उनका।
तो इस प्रकार के जो गैंग है, बाइकर्स गैंग है, स्मैकियर गैंग है, हर जिले में, बिहार के हर जिले में, हर कोने में एक्टिव है। शासन प्रशासन क्या कर रही है? ये भट्टी साहब कहाँ है? ये भट्टी साहब कहाँ है? दूसरी बात सुन तो लीजिए, एक मिनट। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य लगता है कि जो होम सेक्रेटरी है सिद्धार्थ, अच्छा काम कर रहे थे, उनको क्यों चुनाव आयोग ने मतलब इलेक्शन आते ही बदल दिया? जो परफॉर्मिंग एक आईएएस ऑफिसर है के बाद, देखिए है सिद्धार्थ जो ऐसे आईएएस ऑफिसर है कि आप एक फोन कीजिए, कोई भी व्यक्ति एक फोन करे, वो आदमी 24 घंटे उपलब्ध है, और ऐसे अधिकारी को आप बदल दिए। तो हालात बिहार में बदतर है। सवाल ले लेते हैं, देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, निश्चित तौर पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जो टीचर्स को लेकर के हुआ, मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना किसी भी अधिकारी को नहीं करनी चाहिए, और वैसे अधिकारी को, चाहे वो भ्रष्ट हो या कर्तव्य निष्ठ हो, कोई भी हो, वैसे अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अब राजनीतिक मुद्दों की तरफ आते हैं। सीधा सवाल, पवन सिंह ने बिहार में जो हालात पैदा कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर खुला फरमान दे दिया है कुशवाहा समाज ने कि अगर पवन सिंह को नहीं बिठाया गया, अगर राजपूत समाज के लोगों ने पवन सिंह का साथ देना, और वहां राजपूत ही नहीं, खबर तो मिल रही है कि ब्राह्मण भूमिहार सभी पवन सिंह के समर्थन में कूद गए, कास्ट भी कूद गए हैं, तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटें जो है, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो बक्सर हो, चाहे कारक, चाहे वो आरा हो, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, चाहे वो पटना साहिब हो, इन पांचों में से किसी सीट पर कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर वोट नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोटर माने जाते हैं, कुर्मी समाज के लोग, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर बहुत इंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा जोश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है, या जिन लोगों ने पवन सिंह के पीछे अपनी राजनीतिक ताकत पर्दे के पीछे से लगाई है, उन लोगों ने दरअसल जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान कर दिया है? देखिए, पवन सिंह को किसने प्लांट किया? ये सब बिहार के राजनीतिक गलियारों में किसी छुपा हुआ नहीं है कि पवन सिंह को काराकाट में किसने प्लांट किया। पवन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ने का मूड बना लिए थे जब उन्होंने टिकट, उनको जो टिकट दिया गया था पश्चिम बंगाल से, और जब उन्होंने टिकट वापस कर दिया, तो एक तरह से मन बना लिए थे कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। वो बीजेपी में बने रहते और बीजेपी के लिए प्रचार करते, लेकिन बिहार का वो कौन सा भाजपा का नेता है जिससे मिलने के बाद, जिससे गुफ्तगू करने के बाद पवन सिंह काराकाट के चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं? नंबर वन। नंबर दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने जाते हैं। प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री की ये मंशा रहती या बीजेपी की ये मंशा रहती कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिता के लाना है, उपेंद्र कुशवाहा को दिल से मदद करना है, प्रधानमंत्री स्पष्ट कहते कि निर्दलीय जो लड़ रहे हैं उनको वोट नहीं करना है, निर्दलीय को वोट करके अपना आप मत खराब कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से जिताइए। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा क्या? बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को जिताइए। तो आप समझ सकते हैं, जनता, आज की जनता बहुत स्मार्ट है, और जीतने वाले को जिताइए, यानी आपने उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे थे कि मैं मोदी का सिपाही हूँ, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। हालांकि मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल जो आपने किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूतों का वोट नहीं मिला, जो एनडीए का कोर वोट बैंक है, तो इसका प्रभाव तमाम उन सीटों पर पड़ेगा, बक्सर पे पड़ेगा, आरा में पड़ेगा, तमाम उन सीटों पर पड़ेगा, पाटलिपुत्र में पड़ेगा, पटना साहिब में पड़ेगा। अब कुशवाहा समाज जो है राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही अग्रेसिव है। हालांकि ऋषि जी, आरा लोकसभा सीट से कई बार कुशवाहा समाज के लोग सांसद रहे हैं, उसके अलावा चाहे पाटलिपुत्र लोकसभा हो, पटना साहिब लोकसभा हो, बक्सर लोकसभा हो, सासाराम लोकसभा हो, इन सब सीटों पर जो भाजपा चुनाव लड़ रही है, इन सभी सीटों पर कुशवाहा समुदाय की अच्छी खासी दावेदारी है। लेकिन राजपूतों का कहना है कि
कुशवाहा समाज के लोगों ने, या भूमिहारों का भी कहना है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने सवर्ण उम्मीदवार का साथ पड़ोस की औरंगाबाद में नहीं दिया, नवादा में नहीं दिया, हिना साहब का साथ नहीं दिया, वो रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जदयू उम्मीदवार है उनके साथ चले गए, तो सब अपनी जाति के उम्मीदवार को दे रहे हैं। तो बिहार के सवर्ण मतदाता अगर पवन सिंह की मदद कर रहे हैं राजपूत भूमिहार ब्राह्मण, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? ये बात अब देखिए ना, अरे अभिषेक जी तमाम दर्शकों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्गों से, पत्रकारों से मेरा निवेदन है और आपसे भी निवेदन है, आप विगत 10-15 दिनों में भाजपा के बड़े नेताओं का बयान देख लीजिए, खासकर काराकाट को लेकर। भाजपा के किसी भी प्रदेश के बड़े नेता या राष्ट्रीय फलक के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने पवन सिंह के लिए दो शब्द ऐसे कहे हैं, आलोचना के दो शब्द ऐसे कहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। यदि कोई उम्मीदवार निर्दलीय लड़कर एनडीए के पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव को डेंट करता है, कमजोर करता है, तो आप बीजेपी और एनडीए के तमाम नेताओं का अप्रोच उस व्यक्ति के प्रति अग्रेसिव होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए। लेकिन आप एक भी ऐसे नेता का बयान बता दीजिए, खासकर एनडीए समूह के किसी भी नेता का, जिसने पवन सिंह की आलोचना की हो। हाँ, आपने खानापूर्ति के लिए उनको पार्टी से कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। अब मनोज तिवारी ने कल बयान दिया है, मनोज तिवारी ने कल एक शायद किसी पत्रकार से बात करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी लड़ाई में एक हद से आगे चले जाए तो मनाना नहीं चाहिए। तो आप संकेत समझ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी द्वारा प्लांट किए हुए हैं पवन सिंह, हालांकि पवन सिंह की अपनी पॉपुलैरिटी है, अपनी एक उनका इन्फ्लुएंस है और वह देखने को भी मिल रहा है, युवाओं में काफी जोश है उनके लिए, कास्ट ग्रिड की जो बाधाएं वह टूटती हुई दिख रही है। सवाल ये उठता है कि राजपूतों का वह वर्ग जो एनडीए नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, नरेंद्र मोदी के रैली के बाद कितने डेंट होते हैं, ये देखना होगा। और निश्चित ही आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि यदि कुशवाहा समाज से आने वाले सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का कोर वोट बैंक यानी राजपूतों का वोट नहीं मिलता है काराकाट में, तो इसका असर अन्य क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या निश्चित ही इससे क्या आपको लगता है कि कुशवाहा मतदाता रामकृपाल यादव को हरा सकते हैं, रविशंकर प्रसाद को हरा सकते हैं, या सुरेश राम को हरा सकते हैं, या मिथिलेश तिवारी आर के सिंह को हरा सकते हैं? अब इसमें तीन तो अपर कास्ट के ही है बीजेपी के पांच में, एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है और एक कंस्टिट्यूएंसी पर यादव उम्मीदवार है, क्या इन पांचों को चुनाव हरा देंगे? तरफा वोटिंग करके कुशवाहा वोटर्स में है वहां। देखिए, इस बार 40 लोकसभा क्षेत्र का एनालिसिस कीजिए, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज जो एक तरह से एनडीए का कोर वोट बैंक माने जाते थे, इस बार अलग सोच बना के उन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम उन उम्मीदवारों को वोट किया है जो वहां के सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। और ऐसे हालात यदि काराकाट में आप देखने को मिलेगा, देख मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी के उन तमाम नेताओं का बयान उठा कर देख लीजिए, आपको एक भी ऐसा बयान नहीं मिलेगा जो पवन सिंह को घेरते हुए दिख रहे होंगे या उनके लिए ये कहते हुए मिलेंगे कि ये भाई निर्दलीय उम्मीदवार अपना वोट मत खराब करिए, बीजेपी के या एनडीए के जो अधिकृत उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो बेचारे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अकेले छोड़ दिया गया है काराकाट में, हालांकि लड़ाई में है। आप एक बात समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में है और पहला जी एक बात बताइए, बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो भी कुशवाहा समाज से है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत इतनी बड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुशवाहा समाज ने ठान लिए कि सम्राट चौधरी की भी नहीं सुनेंगे? क्या वो सम्राट चौधरी से ज्यादा बड़े कुशवाहा समाज के नेता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो देखिए, आप सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा का तुलना तो मत ही कीजिए। सम्राट चौधरी यदि अकेले इंडिपेंडेंट लड़े तो उनको कितना कुशवाहा समाज का वोट आएगा, ये आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा अपने बलबूते अपने पार्टी को तो खड़ा कर ही रखा है और पैन बिहार नए ना अधिक
ठीक ठाक संख्या में उनके समर्थक हर जिले में, हर संसदीय वर्ग में है, हर विधानसभा क्षेत्र में है। और एक जमाने में तो उनके पार्टी के 3 सांसद हुआ करते थे, सीतामढ़ी से राम कुमार शर्मा, आपके मित्र भी हैं राम कुमार शर्मा जी, हैं उपेंद्र कुशवाहा खुद, अरुण बाबू जो जहानाबाद से सांसद हैं, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंद्र कुशवाहा का तो पैन बिहार इंपैक्ट है ही, और कुशवाहा समाज का इमोशनल कनेक्शन है उपेंद्र कुशवाहा से। और आप उनके समाज के नेता के साथ यदि कोई ऐसा एक पॉलिटिकल गेम करते हैं तो क्या वो समाज हाथ पे हाथ बैठे तो रहेगा नहीं, आपको भी तो पॉलिटिकली रूप से डेंट करेंगे। तो ये समझने की जरूरत है और इसका नुकसान आपने बिल्कुल सही कहा अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जी एक सवाल इसमें और है ऋषि जी का जवाब भी हमें चाहिए, आखिर कुशवाहा समाज को जेडीयू से क्यों दिक्कत नहीं है? वहां तो वो लोग बड़ी खुशी से वोट दे रहे हैं, कई सीटों पर भी पूरे बिहार में दिया है, नालंदा और जहानाबाद में भी चर्चा है कि कुशवाहा समाज के लोग जेडीयू को देंगे, सारी खुन्नस बीजेपी से क्यों है, लोजपा से क्यों है? ये आप जानते हैं, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार आज भी कुशवाहा नीलकुश समाज के कोई सबसे बड़ा नेता है वो नीतीश कुमार है। कल भी नालंदा में एक पत्रकार गए और नीतीश कुमार के गांव के आसपास थे, तो वहां कुछ महिलाएं बैठी थी, पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो कहा कि बेटा तो बेटा ही होता है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार इस गांव का बेटा है, इस एरिया का बेटा है, और बेटा तो बेटा ही होता है, हम पराए लोग को क्यों वोट करेंगे। तो जैसे नालंदा में ऐसा कहा जाता है कौशलेंद्र जी नहीं नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुशवाहा और कोड़ी और कुर्मी का सबसे बड़ा कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ 2020 में जो पॉलिटिकल गेम किया गया था, पर्दे के पीछे जो डेवलपमेंट हुए थे एलजेपी और बीजेपी के बीच में, नीतीश कुमार राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं, लेकिन आम जनता भी, बिहार का आम जनता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे चाय बनाने वाला हो, राजनीतिक सूझबूझ अन्य राज्यों के विधायक और मंत्री से अधिक रखते हैं हमारे यहाँ के लोग, तो ये बात समझते हैं कि नीतीश कुमार जो एक जमाने में 115 सीटें वाली जेडीयू हुआ करती थी, उस जेडीयू को 40-42 तक सिमटने में किसका हाथ रहा है, ये उसके उनके समाज के लोग समझते हैं जी। और मान लीजिए किसी भी समाज का नेता यदि राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, आज गुजरात में कांग्रेस तमाम प्रयासों के बावजूद क्यों नहीं डेंट कर पाती है बीजेपी को? गुजरात अस्मिता एक बहुत बड़ी चीज है कि गुजरात से आने वाले कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, तमाम बीजेपी का असफलताओं के बावजूद भी गुजरात के लोग इनको वोट करते हैं। वही स्थिति है कि तमाम कुशवाहा और कुर्मी में तमाम नाराजगी के बावजूद भी नीतीश कुमार से जुड़ी नहीं है कि सभी लोग खुश होंगे, लेकिन एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है जी। तो इसका नुकसान बीजेपी और एलजेपी को उठाना पड़ रहा है। और आप बिल्कुल सही है, आप देख लीजिए ना महाराजगंज में आकाश सिंह जो लड़ाई में नहीं थे वो कुशवाहा समाज की ठीक ठाक वोट उनको मिला है, और ऐसे समूहों के वोट मिलने से आकाश सिंह लड़ाई में है। अब जनार्दन सिंह सेजरीवाल के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं, लड़ाई में है आकाश सिंह, क्योंकि ऐसे वर्गों का सपोर्ट मिला है और वहां वहां मिला है, आपके बात से सहमत है, जहां बीजेपी एलजेपी के उम्मीदवार है जी। ऋषि जी अंतिम सवाल पर आते हैं, एक बात की बहुत चर्चा थी कि बिहार में लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद बिहार की राजनीति मोटे तौर पर अगली पीढ़ी के हाथ में चली जाएगी, मसलन तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, इन लोगों का जिक्र होता था। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में अगली पीढ़ी के लिए अब अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा, न कि 2025 का, बल्कि 29 या 30 में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, को काफी सुधारा है, जरूरी नहीं है भाई साहब। 4 तारीख के बाद इंतजार तो कीजिए, 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए, 4 तारीख के बाद कुछ ऐसे लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि नई पीढ़ी को ही कमान दे दिया जाए जी। जो वर्तमान में जो जिनके पास कमान है वो राष्ट्रीय फलक पर चले जाए, और 1 तारीख को
एक तारीख को दोपहर के बाद जो कांग्रेस ने जो बैठक बुलाए यूं नहीं बुलाया है। आप देख लीजिए 2019 में कांग्रेस ने ऐसे ऐसी बैठक नहीं बुलाई थी। जो रिपोर्ट आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो तमाम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, कांग्रेस और इंडिया समूह जो है उत्साहित है। और ऐसी स्थिति में जब बीजेपी 200, 220, 230 के आसपास रहेगी तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे? और मैंने जो आपको एक महीना पहले खबर बताया था, तेजस्वी यादव सीएम और निशांत कुमार डिप्टी सीएम और केंद्र के राजनीति में नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में चर्चा। राजनीति में तो परिस्थितियों पर चर्चा किया जाता है ना जी। तो ऐसा हो सकता है, मैंने कह रहा हूँ ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है ऋषि जी, दर्शकों को इस बात के लिए अब मानसिक तौर पर तो तैयार रहना ही होगा कि बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और याद रखिए, इस राजनीतिक परिवर्तन की बुनियाद कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखते हो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, लेकिन बिहार के शिक्षक और बिहार के एक भोजपुरी गायक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बिहार में छात्रों के अभिभावक, स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक, इन सब ने मिलकर किसी एक पार्टी की राजनीतिक संभावना को इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाने का काम किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और चुपचाप तमाशा देखते हुए बिहार की राजनीति में दूर से ही चिराग मॉडल से भी ज्यादा खतरनाक चिराग मॉडल बिहार में खेलने का कोई काम करता हुआ दिख रहा है, तो वो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं चिराग मॉडल बनाम चिराग मॉडल या चिराग मॉडल बनाम चाणक्य मॉडल जो कहा जाता है, उस मॉडल में असली चाणक्य कौन है और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह बिहार में गच्चा खा गए, राजनीतिक रूप से गच्चा खा गए? इन सारी परिस्थितियों पर आने वाले कुछ वक्त में पता चलेगा कि हुआ क्या, और देखते जाइए कि गच्चा कौन खाया और किस प्रकार की परिस्थितियों में बिहार की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।